अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट्स को देखा था, उसका सिंटेक्स देखा था। तो आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर वन अपने स्विच स्टेटमेंट्स की, हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करूंगा। आज मैं यूज करता हूँ करेक्टर को। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया वार वन, और उसमें मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया है, क्योंकि करेक्टर का वेरिएबल तो सिर्फ एक करेक्टर आ सकता है, तो मैंने रख दिया है उसमें ई। सो बेसिकली मेरे पास प्रॉब्लम है टू चेक वेदर इनपुट करेक्टर इज अ वॉवल और नॉट। ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ डिफॉल्ट तो वॉवल कौन से होते हैं, हमने शुरू से पढ़ते आए हैं ए ई आई ओ यू। अगर ये होंगे तो वॉवल्स है, वरना वॉवल्स नहीं है। अब देखिए मैं इसको स्टेटमेंट्स के साथ कैसे कर सकता हूँ, स्विच स्टेटमेंट्स के साथ। बहुत इजी है, मैंने क्या करना है, स्विच लिखना है। स्विच किस चीज पे लगाना है, वार वन पे लगाना है। सिंपली ये लिखना है कि सब देखें। अब देखिए मेरे पास करेक्टर है, डेटा टाइप मेरी करेक्टर है वार वन की। तब मैंने जो यहाँ पे डेटा टाइप लिखनी है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। जो डेटा टाइप आपकी यहाँ पे डिक्लेयर होगी, या जो डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप वेरिएबल पे आप अपना ऑपरेशन लगा रहे हैं स्विच का, उसकी डेटा टाइप आपने एज इट इज मेंशन करनी है। अब केस मैंने लगाना है वार वन पे, ठीक है। तो वार वन की डेटा टाइप है करेक्टर, तो केस की जो डेटा टाइप्स आगे आएंगी लिखने के, वो भी करेक्टर की होंगी। तो बेसिकली अब देखें यहाँ पे हमारे पास, मैंने चेक करना है कि आया ये वॉवल प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा ए। अब मैंने चेक करना है ना वॉवल्स हैं या नहीं है। एक तो तरीका कार है कि मैं सारी ए बी सी डी लिखूं, तो उसमें से ए पे बताऊं कि जी वॉवल है, बी पे बताऊं कि जी वॉवल नहीं है, सी पे बताऊं जी वॉवल नहीं है, डी पे बताऊं जी वॉवल नहीं है, ई पे बताऊं जी वॉवल है। 26 केस बन जाएंगे मेरे पास लिखते। हम एक काम करें, क्योंकि हम सिर्फ पांच केस लिखते हैं जिसमें हम ए को मेंशन करते हैं, और डिफॉल्ट हम उसमें कह देंगे जी इट्स नॉट अ वोवल। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। जहां पे हमें 26-27 केसेस लिखने पड़ेंगे, वहां पे हमें 5 से 6 केसेस लिखने पड़ेंगे। इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपने अपने जहन में सोचना होता है, और जितनी मर्जी बड़ी हो उसको कॉम्पैक्ट, उसका अच्छा सा प्रिसाइज सॉल्यूशन बना के प्रेजेंट करें। चले मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं इट इज अ वॉवल। ठीक है, ब्रेक डाल दिया मैंने। ठीक है, मैं इसी चीज को सारे को कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं शॉर्टकट से कैसे कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली चेंज करूंगा ए ई आई ओ यू, ये तो हो गया वॉवल्स वाला। अब मैं कहता हूँ जी वॉवल्स जो नहीं है मेरे पास, उसके लिए मैं डिफॉल्ट केस लगा दूंगा एक। उसके लिए मैं क्या कहूंगा, सी आउट इट इज नॉट अ वॉवल। ठीक है, और मैंने लगाया ब्रेक। अब देखिएगा मेरे पास क्या होता है। अब देखिए मैं जो भी वेरिएबल वन में, मेरे पास वार वन में वेरिएबल पड़ा होगा और कैरेक्टर पड़ा होगा, वो इनके साथ कंपैरिजन होगा। जो सा वेरिएबल इन ए ई आई ओ यू में होगा वो मुझे कह देगा वॉवल है, नहीं होगा वो मुझे कह देगा इट्स नॉट, इट इज नॉट अ वॉवल। तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ गया, जो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला था, वो मैं भूल गया डालना। तो चले अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली अब देखिए मेरे पास आ रहा है इट इज अ वॉवल। अब मैं ए ई आई ओ यू में से जो मर्जी लेटर डालूं, इधर कैरेक्टर डालूं, मुझे वो वॉवल देगा। लेकिन मैं अगर डाल देता हूँ सी, तो सी तो वॉवल है ही नहीं, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, इट इज नॉट अ वॉवल। ठीक है, तो ये देखें उसने मुझे इट इज नॉट अ वॉवल। तो अब देखें इफ कंडीशन में मुझे इसको कैसे लिखता मैं, अगर यही चीज काम करनी होती, मैं लिखता इफ वार वन डबल इक्वल टू ए, ठीक है, तो बताओ। फिर मैं लिखता जी एल्स इफ वार वन डबल इक्वल टू ई, ठीक है। ऐसे मैं दोबारा आपको इफ कंडीशन के साथ भी लिख के दिखा देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए ई आई ओ और यू, और मैं एल्स वाले पार्ट में डाल देता कि जी ये वॉवल नहीं है। अब चले मैं इसमें ये स्टेटमेंट्स भी डाल देता हूँ, ये लें ये लें
ये स्टेटमेंट इसमें डाल दी, ऐसे ही आपने जल्दी जल्दी काम करना होता है प्रोग्रामिंग में, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, लॉजिक बिल्डिंग अपनी अच्छी करनी होती है। तो इनकेस किसी को टिप्स चाहिए लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करने के लिए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरह आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इफ कंडीशन लिखी है, काम तो वही हो रहा है, लेकिन मुझे बार बार ये चीज मेंशन करनी पड़ती है एक्सप्लिसिटली, ये वाली चीज मेंशन कर रहा हूँ मैं कि जी कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार वो खुद पीछे स्टोर कर लेता है, फिर केस के साथ खुद ही कंपैरिजन करी जाएगा। तो देखिए हमारे पास कितने अच्छे से हमने, कितना अच्छा लग रहा है ये लिखते हुए स्विच के स्टेटमेंट्स। और ये देखें इफ में जरा हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है कि जी ये हमने क्या लिखा हुआ है, तो अब ये देखिए हमारे पास स्विच कितना अच्छा सा प्रेजेंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल करेंगे स्विच स्टेटमेंट से, ताकि हमें इजिली समझ आ जाए कि बेसिकली हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कैसे और कब